कोरोना वायरस महामारी के दौरान एक और महामारी बनकर उभरे मंकी पॉक्स का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये खतरनाक वायरस अब तक 60 से ज्यादा देशों में फैल गया है। केरल में मिले मंकी पॉक्स के पहले केस के बाद अब दूसरा केस भी सामने आ चुका है। 31 वर्षीय व्यक्ति जो दुबई से कन्नूर लौटा, उसमें मंकी पॉक्स लक्षण मिलने के बाद उसे परियाराम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि कन्नूर के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती संक्रमित व्यक्ति की हालत स्थिर है। उनके सभी प्राथमिक संपर्क निगरानी में हैं, मंत्री ने कहा। उन्होंने कहा है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि सभी कदम उठाए जा रहे हैं और मरीज स्थिर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोसिस है, जिसमें चेचक के रोगियों में अतीत में देखे गए लक्षणों के समान लक्षण होते हैं। हालांकि यह चिकित्सीय रूप से कम गंभीर है। शख्स में लक्षण दिखने के बाद उसे कन्नूर में परियाराम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उसका सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजा गया था, जहां रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने इसकी पुष्टि की है। यह शख्स विदेश से मंगलूर हवाई अड्डा पहुंचा था। बता दें कि केरल के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी 5 हवाई अड्डों पर निगरानी बढ़ा दी है। शख्स जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो जांच के दौरान उसमें लक्षण दिखाई दिए। इसके बाद उसे सीधा अस्पताल भेजा गया। मंकी पॉक्स का पहला मामला भी केरल में ही पाया गया था। वह शख्स UAE से लौटा था। हालांकि उसके संपर्क में आने वाले टैक्सी ड्राइवर, परिवार के लोगों और सहयात्रियों को भी निगरानी में रखा गया था। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स के केस 63 देशों में पाए जा चुके हैं और अब तक 9,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। मई के बाद से यह वायरस तेजी से फैला है। WHO का कहना है कि यह बीमारी ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित है। मंकी पॉक्स के लक्षण चेचक से मिलते जुलते हैं। इसमें सिर दर्द, बुखार, थकावट, शरीर में दर्द, ठंड लगना, शरीर पर छाले निकलना शामिल है। विजयवाड़ा में एक बच्चे में मंकी पॉक्स के लक्षण देखे गए थे। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया था। राहत की बात यह रही कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसके बावजूद उसके संपर्क में आने वाले लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया। बता दें कि 14 जुलाई को केरल ने भारत के पहले मंकी पॉक्स मामले की सूचना दी थी, जब यूनाइटेड अरब एमिरेट से लौटे एक 35 वर्षीय व्यक्ति को संक्रमण का पता चला था। केंद्र ने सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को लागू करने में राज्य के अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए केरल में एक बहुअनुशासनात्मक टीम भेजी। सरकार ने सभी 14 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है और चारों हवाई अड्डों पर हेल्प डेस्क शुरू कर दी गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।